हेलो नमस्ते, हम इंडिया से ओडिशा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की बच्चे यहाँ पे चौप नाम के स्टेशन उजगोरद में खड़े हैं, जहाँ पे एम्बेसी की हमें कोई मदद नहीं मिल रही है। हम पिछले डेढ़ दिन से यहाँ खड़े हैं भूखे प्यासे। यहाँ पे आसपास कोई दुकानें नहीं है। हम यहाँ पे टिकट्स के लिए पिछले 12 घंटों से लाइन लगा के हमने टिकट्स खरीदी और अब हमें आगे इमिग्रेशन भी नहीं दिया जा रहा है। और हम एम्बेसी को बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं पर वो हमें कोई जवाब नहीं दे रही, बल्कि वो हमारे यहाँ से सिर्फ 8 या 9 किलोमीटर की दूरी पर एक एम्बेसी है, पर फिर भी वो लोग कोई जवाब नहीं देना चाहते। खालसा एड वाले हमारी मदद करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, इनफैक्ट वो लोग उनको भी खड़े करके रख दिए, वो लोग उनको भी कोई जवाब नहीं देना चाह रहे। वो लोग अल्टीमेटली हमें कोई हेल्प ही नहीं मिल रहा है एम्बेसी से। और ये लिटरली ऐसे सिचुएशन में हम लोग इंडियन स्टूडेंट्स है, उन्हीं से ही हेल्प ले सकते हैं, पर वो लोग कोई भी रेस्पॉन्स नहीं कर रहे। ठीक है ठीक है। और आप ये कंडीशन भी देख सकते हैं, जो ये इमरजेंसी लगी है, यहाँ बहुत से लोग बेहोश हो रहे हैं, खाने की कमी के कारण बहुत सी दिक्कतें हो रही हैं लोगों को।